नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। सलोनी, सृष्टि, पूजा, शुभांशी, महिमा, कावेरी, वेरी गुड मॉर्निंग। सुदामा, सृष्टि, ऋषभ, पृथ्वीराज, स्नेहा, नवनीत, शिवप्रभा, संजू, बालकृष्ण, अंकिता, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी साथियों का स्वागत। जो भी विद्यार्थी आज के दिन पहली बार नए जुड़े हैं, उनका ज्यादा स्वागत। ज्यादा स्वागत के साथ साथ कुछ जरूरी जानकारियां भी उनको दे दी जाए, ताकि उन्हें भविष्य में सेशन करने में किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो। तो आइए मैं कुछ जरूरी जानकारियों के साथ आपका स्वागत कर देता हूं। सबसे पहली जरूरी जानकारी तो आपको ये पता होनी चाहिए कि अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करें, है ना? एक मतलब बड़ा क्वेश्चन है ये कि नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा, ठीक है? हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार रिफ्रेश करने की कुछ बच्चे बोल रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैं रिफ्रेश भी कर सकता हूं, लेकिन जब तक मैं, चलिए पूछ लेता हूं, क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? परफेक्ट, ठीक है। तो जिन्हें दिक्कत आ रही है, कृपया करके वो अपना इंटरनेट परफेक्ट कर लें, बाकी सब कोई दिक्कत यहां पर नहीं हो रही है। जो भी बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही जानकारी को आप बकायदा डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो हमने पढ़ाया, जो भी हमने लिखा, वो सारी चीजें डाउनलोड की जा सकती हैं। इस क्लास के बाद डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आता है ना, तो आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी तरह से आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। दूसरी बात, जो भी मैंने पढ़ा रहा हूं, आप इस वीडियो को अभी लाइव सुन रहे हैं, और अगर आप बाद में भी इसे सुनना चाहें तो आप इसे सुन सकते हैं। आप इस वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो तब तक ही आपके पास मेमोरी में रहेगा जब तक सब्सक्रिप्शन है, उसके बाद यह ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आप भविष्य के लिए अभी से संजो करके ना रखें। अगर आप नए हैं और आपको क्लास की और भविष्य में आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस चाहिए, तो आप मुझे मेरे नाम के नीचे दिए हुए बटन, दैट इज फॉलो बटन पे जाकर के क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। भविष्य में आने वाली किसी भी प्रकार के नए बैच की सूचना आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। जो कोर्स आपको आर्ट एंड कल्चर का दिखाई पड़ रहा है, उसे आप सामने से जाकर के नोटिफाई मी या फिर सब्सक्राइब कर लीजिए उस कोर्स को भी, ताकि इसकी क्लास अगर कभी रिशेड्यूल भी होती है तो आपको उसके बारे में भी जानकारियां पता चलती रहेंगी। हमारे क्लास के अंदर पढ़ाने का पैटर्न ये है कि हम 40 मिनट ही पढ़ा पाते हैं, इससे ज्यादा हम पढ़ाते नहीं है। इसके पीछे रीजन है कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल पोर्शन है, 40 मिनट तक स्पॉन्टेनियस बोलना होता है, लेकिन इससे पहले शुरुआती 5 मिनट में हम बच्चों से बातचीत करते हैं और अंत के 5 मिनट भी बच्चों से बातचीत करते हैं। क्लास के दौरान अगर आपको कोई पढ़ाई हुई चीज में डाउट आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप उसे क्लास के बीच में ही मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आपको उसके बावजूद भी कुछ चीजें पूछने की रह जाती हैं, मुझसे बातचीत करने की रह जाती हैं, तो आप मुझसे सेशन की शुरुआत में और सेशन के अंत में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज एक स्पेशल क्लास लगाई हुई है, आप ही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी होगी, वो शायद आपको पता चल गया होगा, ठीक है? चलें, तो साथियों आज आपके सामने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं, सर कॉल कर लीजिए। बेटा, आज सारी जानकारी मुझे बैच के बारे में बताने में चली गई, फिर भी मैं इनिशियली 2 बच्चों को कॉल करके सेशन की शुरुआत कर रहा हूं, है ना? मतलब उसके बाद में हम शुरू करेंगे, ठीक है? रेज हैंड के फीचर में आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? सर, आई एम फ्रॉम अजमेर एंड आई एम प्रिपेयर। यस सर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 4 एंड ICAR एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम। नाइस टू टेक दिस।
बेटा आपका आपका नेट शायद कहीं कनेक्शन लूज कर रहा है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, लेकिन मुझे ये सुनने में आ चुका है कि आप ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रही हैं और कुछ आपने एक एग्जाम का नाम yes, sir. तो yes, अभी sir. आपकी प्रिपरेशन के लिए आपने पहली बार ज्वाइन किया या पहले से ज्वाइन कर रखा है? सर मैं एक बार आपको फॉलो कर रही हूँ और रोज करंट अफेयर्स वगैरह सब देखती हूँ, तो सर हमको अच्छी तरह से पता है कि कौन से सेशन में क्या होता है, क्या क्या है। अच्छा अच्छा तो ठीक है, आपको बहुत अपडेट करिए, मुझे भी बहुत पसंद है सब कुछ। थैंक यू सर। बेटा आपको कोई डाउट, कोई डाउट होगा तो मैं बाद में। परफेक्ट सर, अभी हाल फिलहाल तो कोई डाउट नहीं है, बट कभी होगा तो मैं आपको वापस से कॉल कर दूंगी। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। मैं किशन को कॉल कर रहा हूं लेकिन लग नहीं रहा है, मैं एक और विद्यार्थी को ट्राई कर लेता हूं। बेटा मैंने दो विद्यार्थियों को कॉल और ट्राई किया, लग नहीं पाया, तो शुरू करते हैं अभी सेशन को, ठीक है? फिलहाल के लिए मैं लास्ट में बात करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने आर्ट एंड कल्चर शुरू कर दिया है और जो फर्स्ट डे होता है ये आपको बहुत कुछ सीखने और समझाने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि यहां से आपको एक सबसे पहली चीज जो बनानी है सब्जेक्ट के बारे में कि हम आफ्टर ऑल इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं और पढ़ने के बाद में क्या हम खुद से भी कुछ कर पाएंगे या सर जो बताएंगे वही सब कुछ करना है। देखिए मैं बहुत पहले ही एक चीज क्लियर कर देता हूं, मैं इतना पढ़ाऊंगा कि शायद आप खुद से उतना ना पढ़ पाए, कभी खुद से कोशिश भी करें तो भी, लेकिन फिर भी मैं एक लाइन यहां पर ऐड करना चाहूंगा और वो ये है कि आप जब तक सेल्फ लर्निंग की हैबिट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट के साथ डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ नहीं होने वाला है, है ना? तो आप दिमाग में ये रखें कि मैं आपको कुछ भी सिखा रहा हूं उसके बावजूद भी आपको कंटेंट पढ़ना है, जो भी आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है? तो हम शुरू कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, अब यहीं से क्लास की शुरुआत हो चुकी है। बड़ा सवाल यह है कि आर्ट एंड कल्चर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या होता है आर्ट एंड कल्चर में? साथियों होता यह है कि हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बार इतिहास के बारे में जानकारी ली, जैसे मैंने शुरुआत में आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाया जिसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री कहा, जो विद्यार्थी नए हैं वो मेरी पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। तो साथियों भैया कृपया करके आप सबसे निवेदन है कि जो विद्यार्थी चैट बॉक्स में एक दूसरे को हाय हेलो करने आए हुए हैं मुझसे बच के रहे, कृपया करके ऐसे ना करें, है ना? प्लीज एक दूसरे को हाय हेलो ना करें प्लीज, है ना? हाँ, क्योंकि फिर मैं उनको लपेट लूंगा खामखा, फिर दिक्कत हो जाएगी उन्हें, है ना? तो प्लीज ऐसा ना करें। चलिए तो मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, मैं बोल रहा हूं बच्चों हम आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब आप पूछेंगे सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं। भैया सिलेबस में है ये तो समझ में आया, लेकिन सिलेबस में भी क्यों है? क्योंकि इसके पीछे की जो बात है वो हमारे पेपर सेटर को पता है कि बच्चों को आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का फायदा भविष्य में होने वाला है। क्या फायदा होगा सर? मैं क्या क्या कर लूंगा अगर मुझे ये पता चल गया कि भाई मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में घर ऐसे होते थे, मेरा भविष्य में क्या फायदा होगा? है, मैं तो अधिकारी बनूंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या ही करूंगा? बिल्कुल सही सवाल है, है ना? और बहुत बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि हम इतिहास में अगर चीजें पढ़ भी लें कि सर फलाने ऐसे समय में ऐसे डांस होते थे, तो मैं क्या करूं, होते होंगे डांस होते थे तो, है ना? फिर कोई बोल रहा है कि नहीं इस प्रकार के मंदिर थे, तो अरे यार हो गए ना पुराने, भविष्य में कुछ नया बताओ, मैं तो नया प्रोग्रेसिव व्यक्ति हूँ, साइंस का विद्यार्थी हूँ, है ना? तो साथियों मैं आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहूंगा कि कृपया करके इस प्रकार का विचार दिमाग में इसलिए ना लाएं क्योंकि इतिहास हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें भविष्य के लिए दिशा और दोनों दशा देता है। अब ये क्या होती है सर, दिशा और दशा क्या है? साथियों आप कहां से आ रहे हैं अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कहां जाएंगे इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते। आप आज खड़े हुए हैं, आपको एकदम किसी आइलैंड पर उतार दिया जाए और कह दिया जाए चलिए, तो आप दिशा भ्रम की स्थिति में चले जाएंगे, आप दाएं बाएं भटकने के लिए प्रयास करेंगे कि कौन से रास्ते जाऊं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हाँ अगर मैं आपको बता दूं कि आप इस दिशा से आ रहे थे
तो आपको पता होगा, आप चाहे भूल भी जाएं कि चलो इस दिशा से आ रहा था तो आगे इसी दिशा में बढ़ना है, नंबर एक। और अगर मैं यहां तक आ रहा था और गलत पहुंच गया हूं तो चलिए दिशा बदल लेते हैं, इस दिशा में नहीं दूसरी दिशा में जाना था। यानी हमें जब ये पता होता है कि हम कहां से आ रहे हैं तो हम ये निर्धारित कर पाते हैं कि हम कहां जाएंगे, यानी कि हमारा इतिहास हमें हमें भविष्य की दिशा देता है। ये तो हुआ एक फिलोसॉफिकल आंसर। दूसरा अब आंसर लॉजिकल आंसर है कि हम आर्ट एंड कल्चर क्यों पढ़ रहे हैं। रीजन ये है साथियों कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध था। क्योंकि तो जब आधुनिक भारत के दौरान, आधुनिक भारत बोले तो 1947 से पहले जो 200 साल रहे हमारे ऊपर, उस समय जब अंग्रेज हमारे सामने थे तो उन्होंने हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल बैरियर डाल दिया। क्या साइकोलॉजिकल बैरियर डाल दिया? कि पढ़ाई आपको केवल अंग्रेजी में करनी है, लिटरेचर आपको पढ़ाई में जो करना है यूज वो अंग्रेजी करना है, अंग्रेजी के ही आपको मतलब जो भी राइटर्स हैं वो पढ़ने हैं, अंग्रेजी की जो नॉलेज है वो पढ़नी है। हमें अपने नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कौन से नॉलेज के बारे में? हमें ये नहीं पता था कि हम कितने समृद्ध लोग थे, हमारी समझ कितनी थी। हमें ऐसा लगता था जैसे कि हम बस पैदा हो गए हैं एक गंवार और जाहिल के रूप में, और ये जो सूटेड बूटेड आदमी आया है ये पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, अब यही हमें बताएगा कि हम किस प्रकार से जीवन को लीड करें। क्योंकि अंग्रेजों ने साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में एक लाइन बिठा दी थी, दैट वॉज व्हाइट मैन्स बर्डन। वो ये कहते थे कि हमें ईश्वर ने तुम लोगों को सभ्यता युक्त करने के लिए भेजा है, सिविलाइज्ड करने के लिए भेजा है। तुम लोगों को ना तो रहना आता, ना खाना आता, ना कपड़े पहनना आता, ना बातचीत करने का कोई ढंग है, बस ऐसे ही हो, यू आर दी स्नेक चार्मर्स, आप सपेरे हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर ईश्वर ने हमें भेजा है ताकि हम आपको लेसन सिखाएं, आपको बढ़ा सकें, पढ़ा सकें। तो हम लोग भी कन्विंस थे। अब आप पूछेंगे सर हम कन्विंस कैसे थे, हम तो अगर आज रहे होते तो हम आज की स्थिति में कन्विंस नहीं होते, वो तो पुराने लोग थे जो हो गए होंगे अंग्रेजों से कन्विंस। आज तो हम बुद्धिमान हैं। बेटा आप में से जितने भी विद्यार्थी साइंस के हैं, जितने भी विद्यार्थी इस क्लास में साइंस के हैं, उनमें से 90% लोगों को नहीं पता था कि मूल अधिकार क्या होते हैं। उनमें से 90% लोगों को नहीं पता था कि कर्जन ने स्वदेश मतलब बंगाल विभाजन के दौरान क्या दुर्घटनाएं की थी। उनको 90% को यह नहीं पता था कि महात्मा गांधी का रियल में योगदान क्या है। मानते हो? ये तो आप आज के समय पे पढ़े लिखे लोग हो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। उनमें से अधिकांशों को यह तो पता ही नहीं था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, स्वतंत्रता में कितने लोगों ने क्या, बस फिल्मों से जो देख लिया बस उतना था। अदरवाइज तो हम जैसे पैदा हुए हैं हम एकदम फ्रेश हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, अनयूज्ड ब्रेन। इसके पीछे का रीजन पता है साथियों? इसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमें कुछ भी इसलिए नहीं पता था क्योंकि जिस एजुकेशन सिस्टम से आप लोगों को पढ़ाया गया क्लास 12 तक, उस एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीजें गायब थी। आपको पढ़ने ही नहीं दिया गया, आपके दिमाग में एक नौकरी पेशा और एक पैसा ऐसी चीजें डाल दी गई कि आप वो पढ़ते चले गए कि चलिए अब हम फटाफट मैथ पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे और नौकर बन के नौकरी करने लगेंगे। हमें कभी इस चीज का यूज ही नहीं बताया गया। हमें, मैं तो ये चाहता हूं शिक्षा के अंदर सुधार हो, तो ऐसा हो कि हमें ये सब चीजें मैंडेटरी रूप से पढ़नी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे हिंदी इंग्लिश होते हैं ऐसे मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। क्योंकि आज जो विद्यार्थी स्टैटिक जीके मुझसे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने मतलब किसी भी प्रिपरेशन के दौरान ये चीजें मुझसे पढ़ी हैं, उन्हें ये क्लियर हो चुका है कि यार ये मतलब बादल क्यों बने हुए हैं, तूफान क्यों आ रहा है भारत के अंदर। आज मैं आरएनए का सेशन पढ़ा रहा था, आरएनए के सेशन के अंदर जब मैं क्वेश्चन नंबर 3 मूल अधिकार बता रहा था, उसमें से कईयों के ऊपर से निकल गया। रीजन इतना तो सोचना ही नहीं है किसी को, हमें लगता है पुलिस जो कर रही है वो सब सही है। इसलिए आर्ट एंड कल्चर जरूरी है। हमारे सामने जब अंग्रेजों ने ये दुविधा पैदा कर दी कि भगवान ने हमें भेजा है आप लोगों को सभ्यता युक्त करने के लिए, तब कहीं कोई अंग्रेज गलती से ये चीज खोज के निकाल दिया इंडियंस के साथ मिलकर के, क्या खोज करके निकाल दिया कि भैया ये तो उस समय के सिविलाइज्ड हैं जिस समय शायद ही कोई सिविलाइज्ड रहा हो, इनकी सभ्यता। अब आप पूछेंगे सर ये सिविलाइज्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? साथियों सिविलाइज्ड वर्ड का मीनिंग होता है एक निश्चित पैटर्न में किया गया कोई भी कार्य,
आप अगर निश्चित पैटर्न में लूटने भी जाते हैं तो आप लूट सिविलाइज्ड हैं, यानी जिसमें हर काम का कोई पैटर्न होता हो उसको सिविलाइज्ड शब्द कहा जाता है, संस्कृति युक्त कहा जाता है, सभ्यता युक्त कहा जाता है। हम लोगों को लगता है कि सिविलाइज्ड होने का मतलब है कि किसी के आने पर खड़े हो जाओ, कोई चला गया तो बैठ जाओ, इसके साथ साथ नमस्कार कर लो, ये सिविलाइज्ड है। नहीं साथियों, हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है, हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक शब्द समझा दें ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आ जाए। कोई भी कार्य जो निश्चित पैटर्न में किया जाता हो, चाहे फिर वो रहने वाली व्यवस्थाएं हो, चाहे फिर वो खाने के तरीके हो, क्योंकि इंसान ने जब सभ्यताओं से पूर्व रहना शुरू किया तो वो जानवरों की तरह नोमैडिक था। नोमैडिक का मतलब उसे कुछ नहीं पता था, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या खाना है, जो मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जो रहना था रह लिए, उसे कोई भी रहने का मतलब आदि मानव था इंसान। बिल्कुल सही कहा प्रतीक, मतलब कोई भी, हमारे पास कोई सेट पैटर्न नहीं था। और अंग्रेज तो हमें जब आए थे तब भी यही कहते थे कि तुम तो अभी भी बिल्कुल गांव के गंवार ही हो। उनकी नजर में गांव का गंवार होने का अर्थ यह था कि इन्हें पता ही नहीं है खाते कैसे हैं, ये उठाते हैं परात पी लेते हैं, हैं? इन्हें पता ही नहीं है कि पढ़ना कैसे है, पढ़ने के नाम पर ये भजन कीर्तन करते हैं, इन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता है, पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसका मतलब हमारे ऊपर साइकोलॉजिकल बैरियर था। आज हम उस साइकोलॉजिकल बैरियर को इसी एंशियंट और मिडाइवल काल में जो भी हमारे साथ में उपलब्धियां रही हैं उनके माध्यम से पढ़ते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप आने वाली पीढ़ी को जब एक अधिकारी बन करके, एक सरकारी कर्मचारी बन करके दिशा दें, तो साथियों उस समय पर आप एक प्रकार से उन्हें सही दिशा दे पाएं। इसलिए सिलेबस का हिस्सा है। सभ्यता के मुद्दे पर आज हमारी जो सभ्यता शुरू हो रही है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्लास के अंदर कमेंट बॉक्स में मतलब बदतमीजी वाली बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को कुछ अंटशंट बोल रहे होते हैं। तो मैं एक लाइन बोलता हूं, आपने सुना हो तो, गलती इनकी नहीं है। मैं बोलता हूं गलती इनकी नहीं है, इनके संस्कारों की है। इन्हें जिस प्रकार का माहौल मिला, इनके परिवार में जैसी इनकी परवरिश हुई, वैसा ये प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि हम कहां से आए हैं यह निर्धारित करता है कि हम कैसा व्यवहार करेंगे। आज मैं आपसे बहुत ही मतलब तमीज के लहजे में बात करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि बच्चों से हम बात करते ही इसी प्रकार से हैं। आपके घर में भी बड़ों के आने पर सम्मान में आपके मतलब सिर झुक जाते हैं, रीजन है क्योंकि आपको सिखाया इस प्रकार से गया है। यही तो हमारी परवरिश है ना। तो हमारी परवरिश तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, यानी जिसको हम एंशियंट सिविलाइजेशन में कितने साल पुराना मानते हैं पता है आपको? साथियों कहते हैं कि जो सबसे पुराना प्रमाण है वो 300 BC पूर्व, बिफोर क्राइस्ट मिला हुआ है। मतलब ये समझिए कि आज हम 2100 में चल रहे हैं, 2021 में चल रहे हैं, 2021 प्लस 3300 जोड़ दो, हम बात कर रहे हैं 5321 साल पहले इंडिया में इंसान सिविलाइज्ड हो चुका था। अंग्रेज तो 200 साल रह के गए हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का अर्थ, हम इतना पुराने समय से ही सिविलाइज्ड और लिटरेट हैं, हमें कोई क्या सिखाएगा। यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम सीख सकें कि हम कैसे रहा करते थे, हम कैसे महलों में रहा करते थे, हम क्या किया करते थे। हम ये सीख सकें कि क्या थी वो हड़प्पा के अंदर रहने की संस्कृति, क्या थी मोहनजोदाड़ो की संस्कृति, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हुआ करती थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस प्रकार से इंडस नदी के किनारे बसी थी, कौन कौन सी जगह थी जो हम लोगों को आज भी जानना बहुत जरूरी है, जहां पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि किस प्रकार से इंडियंस ने रहना शुरू किया था। आर्ट के अंतर्गत ये लोग क्या करते थे, क्या बनाते थे, क्या ये केवल मतलब मट्टी के बर्तन बनाते थे, सील बनाते थे, क्या क्या बनाया करते थे, ये सब बातें हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। क्या है हड़प्पा की कहानी, हम चर्चा करेंगे हड़प्पा में ऐसा क्या मिला, हम तस्वीरों के माध्यम से जानेंगे कि आज भी ये कैसा दिखता है। ठीक इसी प्रकार से हम हड़प्पा के अलावा मोहनजोदाड़ो चलेंगे, हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से मोहनजोदाड़ो को समझा जाए, किस प्रकार से समझा जाए, कहां पे क्या मिला,
कालीबंगा के बारे में जानेंगे, कालीबंगा के अंदर क्या खासियत मिली वो जानेंगे, लोथल के बारे में जानेंगे, ऐसे करके हम उन सारी हड़प्पन साइट्स के बारे में जानेंगे जहां पर इंसानी सभ्यता के प्रमाण मिले, और वो प्रमाण हमें आज के दिन यह खुशखबरी देते हैं कि हम कितने समझदार हुआ करते थे। ठीक है, ये जो मोदी जी की प्रतिमा है ये कहां मिली है ना ये कई बार पढ़ाते समय बच्चे इसको कह देते हैं मोदी जी की प्रतिमा जो है वो बहुत पहले मिली हुई थी, तो ये कहां मिली, क्या है इसका मतलब, क्या है, कौन है ये, किसके बारे में बात की जा रही है, ये प्रीस्ट की पुजारी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली, इसका क्या लॉजिक है, किस प्रकार से है, ये चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये सब बातें, ब्रॉन्ज कास्टिंग क्या है, डांसिंग गर्ल क्या थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा क्या मिला था, डांसिंग गर्ल के अंदर क्या खासियतें थी जो यहाँ पर मिली थी, है ना, और मोहनजोदड़ो के अंदर जो मतलब बुल मिला वो कैसा था, है ना, ये सब सीखेंगे। टेराकोटा के बर्तनों का निर्माण कैसे हुआ करता था, खिलौनों की काठी कैसे मिलती थी, किस प्रकार के बर्तन यहाँ पर खिलौनों वाले मिलते थे, गॉडेस के अंदर कौन सी प्रतिमा यहाँ पर मिली एज एन एविडेंस, इंडस रिवर सिविलाइजेशन के अंतर्गत और कौन से कार्य यहाँ पर हुए, मोहरें कितने प्रकार की मिली, मोहरों में किसकी मोहर सबसे ज्यादा प्रमुख थी। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर धर्म कौन सा था, यहाँ पर सील किस प्रकार की थी, पॉटरी किस प्रकार की थी, पेंटर क्या काम करते थे, पेंटिंग कैसी होती थी। ठीक है, ये सारी बातें, ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स क्या थे, किस प्रकार के डेस्क ये पहना करते थे, हमें कौन से आभूषण यहाँ से प्राप्त हुए, बीड्स किसके प्रकार की बनी हुई होती थी, ये तमाम बातें यहाँ करने वाले हैं। तो बताइए एक बार के लिए थम्सअप करके कि क्या आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये दिशा मिल गई है कि हम किस तरफ जाने वाले हैं, मतलब पता चल गया ना कि हम हमारा उद्देश्य क्या है, हम कहां पर पहुंचने वाले हैं। क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, शुरू किया जाए। आइए तो शुरू करते हैं साथियों इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर हम आपके सामने सबसे पहली लाइन में बोले तो सबसे पहली बात आपको ये समझनी होगी कि हमारे देश में मतलब प्रमुख रूप से अगर सालों के हिसाब से बात की जाए तो वर्ष 3300 बीसी के आसपास यानी 3300 बीसी के आसपास भारत के अंदर वर्तमान जो पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत कहां पर है तो हम तो ये सब जानते ही हैं कि भाई पंजाब प्रांत केवल भारत में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी है। पंजाब क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 नदियां गुजरती हैं। तो पंजाब प्रांत के अंदर साथियों 3300 बीसी से पहले एक इस प्रकार की जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई या फिर जिस प्रकार की मैंने आपको व्यवस्थाओं के बारे में आज पढ़ाना है, ऐसे नजारे प्राप्त होने शुरू हुए साथियों। इसे क्योंकि पंजाब के अंदर ये सारी की सारी जो चीजें मिली थी या मिल रही थी, ये मिल रही थी इंडस किनारे, कहां मिल रही थी, इंडस नदी के किनारे मिल रही थी, यानी कि ये सब मिल रही थी इस वाली नदी जो आप देखते हैं सिंधु घाटी नदी, सिंधु नदी जो देखते हैं इसके किनारे मिल रही थी। इसलिए इन जगह के आधार पर इन सभी जगहों को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, क्योंकि नदी के आसपास ही सभ्यताओं का विकास होता है ऐसा मानना है। तो जो सिंधु नदी है इसकी जो सहायक नदियां थी रावी, व्यास, सतलज, RBS जो वर्तमान में इंडिया में है, CJI, चेनाब, झेलम और इंडस, इन्हीं के आसपास सभ्यताओं का विकास हो रहा था, नदियों के आसपास सभ्यताएं पाई गई थी। तो इस वजह से हम इसे पढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सबसे जबरदस्त प्रमाण मिलता है कि ये सबसे बेहतरीन तरीके से विकसित कब हुई थी, तो आंसर है 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक। मैं एक बार के लिए आपको इस बीसी शब्द का मीनिंग समझा देता हूं। देखिए मतलब ये समझिए, अगर मैं 2600 बोल रहा हूं कि 2600 बीसी से लेकर के मान लीजिए 1400 बीसी तक विकसित हुई है, तो इस शब्द का मीनिंग क्या है, अगर मैं ये शब्द बोलता हूं 2600 से 1400 के बीच में तो इसका मतलब क्या है। आज तो हम 2021 में चल रहे हैं, आप पूछेंगे कि सर भाई आप में से कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जिसका जन्म वर्ष 2000 में हुआ होगा, वो कहेगा सर मैं आज 2021 में हूं, तो साल तो बढ़ते हैं, फिर 2600 से 1400 कोई कैसे कह सकता है ना भाई। होना तो ये चाहिए था 1400 से लेकर 2600 के बीच में पाए गए हैं, है ना, मतलब ये तो इस प्रकार से समझना चाहिए। होता क्या है साथियों, हम लोग इसको काउंट ऐसे करते हैं कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसको हमने 0 ले लिया, इसको ऐसे समझिएगा। ठीक है, और वहां से पीछे की तरफ यानी ये 0 है और यहां से कितने साल पहले की बात सुना रहे हो
उसके आधार पर हिस्ट्री का डिवीजन करना शुरू किया, यानी जीरो से कितने साल पुरानी, बोले जीरो से 3300 साल पहले, इसे कहा गया 3300 बीसी। इसे क्या कहा गया? 3300 बीसी। उम्मीद है आपको शब्द का मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हमने कहा कि ईसा का जन्म कब हुआ, उससे अगर हमने चीजें लिखना शुरू किया तो बोले ईसा के मतलब 3300 साल पहले। तो अब इधर देखिए, तो बोले 3300 साल पहले, तो इधर जीरो है, तो टेक्निकली एक साल पहले, दो साल पहले, तीन साल पहले, चार साल पहले, ऐसे चलते चले गए। अब चार साल पहले चलते चले गए, 3300 साल तक आ गए, यहीं पर कहीं आया आज से 2600 साल पहले, यहां पर कहीं आया 2000 साल पहले, यहां कहीं आया 1500 साल पहले, ऐसे समझते आइए 1000 साल पहले और अब जीरो साल पहले। आई बात समझ में? तो अगर मैं बोलता हूं कि 2600 से लेके 1400 की बात करनी है तो मीनिंग समझ में आ गया, हम आज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और जो वर्तमान समय है इसे कहते हैं, हाँ भाई एडी की फुल फॉर्म बताइए, एडी फुल फॉर्म बताइए, एनो डोमिनी, ठीक है। एनो डोमिनी का अपन जो मतलब लेमैन लैंग्वेज में अर्थ निकालते हैं आफ्टर डेथ, यानी कि जब ईसा चले गए उसके बाद का समय, लेकिन ऐसा नहीं है, ये जीरो से बर्थ के बाद और बर्थ के पहले, यही दो समय निकाले गए, बर्थ से पहले बिफोर क्राइस्ट और इसके बाद में, यानी जब जन्म हो गया उसके बाद में एडी। तो हम जिस समय में जी रहे हैं ये है 2021 एडी, ठीक है, हम इस एडी में जी रहे हैं, यानी कि हम एक दो तीन ऐसे चल रहे हैं, ठीक है बेटा। अच्छा, तो 3300 बीसी के प्रमाण हमारे पास हैं। 3300 बीसी का मतलब है जीरो से 3300 साल पहले के प्रमाण हमारे पास हैं। हम आज 2021 में चल रहे हैं, यानी कि हमें 5321 साल पहले के प्रमाण प्राप्त हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही? ठीक है, एक विद्यार्थी पूछ रहे पता कैसे चला, कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चलता है कौन सी चीज कितनी पुरानी है, ठीक है। यहां से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये बात निकल के आ गई। चलिए, हमने आपको क्या लाइन बोली अब वो भी सुन लीजिए, 2600 से लेके 1400 साल के बीच में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। कितने साल रही सिंधु घाटी सभ्यता, एक बार बताएगा कोई कैलकुलेट करके, 2600 से 1400, 2600 से 1400 का अंतर बताइए, जो सबसे ज्यादा फ्लरिश किया इसने, कितना साल का हुआ टाइम? अच्छा चेक कर लेते हैं, इधर 2600 है, इधर 2500 रहा होगा, 2400 रहा होगा, 2300 रहा होगा, 2000 रहा होगा, यानी कि इस तरफ आप यूं बढ़ रहे हैं, यानी कि ये 600 की तरफ जा रहे हैं। 2000 के बाद में फिर आप नीचे की तरफ चल रहे हैं, 1900, 1800, फिर इसी प्रकार से 1700, 1600, 1500, 1400, यानी कि फिर आप इस तरफ चलते गए 6 साल और, यानी कि मतलब 600 साल और, तो कुल 1200 साल जो है साथियों। भाई एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं सर क्राइस्ट ही क्यों लिया, बेटा हमने क्या कहा आपसे कि हम पढ़ाई की जो टेक्निक अपना रहे हैं ये अंग्रेजों के काल की है, हम तो वो पढ़ रहे हैं जो उन्होंने हमें पढ़ाया, उन्होंने जैसे लिखा अपनी सहूलियत से तो उन्होंने हमने वही माना, आज हम टाइमिंग भी उन्हीं के हिसाब से मानते हैं, मंथ भी उन्हीं के हिसाब से, इवन संडे भी हम उन्हीं के हिसाब से मानते हैं, तो ये सवाल मतलब ज्यादा देशभक्ति जगाने की आवश्यकता नहीं है, इतने से ही समझ जाओ कि हाँ भाई हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो अब सवाल बनता है साथियों कि इतने साल की जानकारी हमें किस प्रकार से प्राप्त हुई होगी, तो बोले भाई साहब ऐसी जगह की खुदाई की गई होगी, खुदाई करने पर कहां कहां पर हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण मिले। तो साथियों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि हमें खुदाई के प्रमाण जो हैं वो बलूचिस्तान से लेकर के, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर है जहां ग्वादार कोर्ट है, वहां से लेकर पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब क्षेत्रों के अंदर हमें प्रमाण मिले। इतना ही नहीं, हमें इसके अलावा वेस्टर्न इसके मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो प्रमाण मिले, ये हम लोगों को जम्मू कश्मीर तक इसके प्रमाण मिले हैं, ठीक है ना।
अगर हम बात करें तो हम अगर दक्षिण भारत की तरफ चले तो महाराष्ट्र के अंदर एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद। दैमाबाद जो कि अहमदनगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक इसके प्रमाण मिले। मतलब दैमाबाद जो है वो अहमदनगर के अंदर स्थित है, वहां तक भी इसके प्रमाण मिले। मतलब दिशाओं के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये कहते हैं कि एक प्रकार से समझिए कि पूरा पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में अगर स्थित है सुरकोटड़ा, तो आलमगीरपुर जो यूपी के अंदर स्थित है वहां तक इसका विस्तार पता चलता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसके कुछ रेलिक्स अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी मिले हैं। यानी इस प्रकार से इसका विस्तार जो था वो काफी बड़ा विस्तृत फॉर्म के अंदर उपस्थित था, यानी इतनी दूर तक लोग रहा करते थे। अब आप में से कई लोग ये पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया कि कुछ अच्छा काम रहा होगा, लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब है क्या? मतलब वहां होता क्या था? वहां कोई फैक्ट्री बनी हुई थी, या फिर लोग वहां पर डांस करते थे, या फिर वहां करते क्या थे? मतलब कैसे, मतलब ये पता चला? तो साथियों हुआ क्या कि हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम की एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था सर जॉन हर्बर्ट, हर्बर्ट मार्शल, जिन्होंने 1921 से 22 के बीच में हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ सील प्राप्त की थी। मतलब एक प्रकार से ये समझिए कि उन्हें कुछ ऐसी पहचान की चीजें मिली थी 1921-22 के अंदर, जो कि ये लगता था कि ये आज की तो नहीं है, बहुत पुरानी है। एक बहुत बड़ा सवाल अमित ने पूछ लिया है, और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि सर जब था तो फिर खत्म कैसे हुआ? लोग रहते थे तो खत्म कैसे हुए? और उसी के साथ जुड़ा हुआ एक सवाल और बनता है, तो क्या सर हम भी खत्म हो जाएंगे? बड़ा सवाल है ये, क्योंकि जो सभ्यता इतने समय तक फ्लरिश करी और हमको पता ही नहीं है कि कोई था। और कई लोग ये पूछेंगे, कईयों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सर यहां पर कुछ बना हुआ था, आपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाया, आपने दिखाया कि देखो ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसे महल से बने हुए हैं, ऐसी ये चीज बनी हुई है, तो ये क्या किसी को दिखती नहीं थी क्या? मतलब ये खंडर जैसी जो चीजें हैं किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी क्या? लॉजिकल सी बात है। फिर उसने, मतलब मार्शल ने कैसे खोजा इसको? साथियों इनको जमीन के अंदर से खोद के निकाला है, ये बाहर थी ही नहीं, ये जमीन के अंदर घुसी हुई थी। बोले अच्छा, तो जमीन में दबी हुई संरचनाएं हैं ये जो निकल निकल के बाहर आ रही हैं। मैंने कहा हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये जमीन के अंदर दबी हुई संरचनाएं हैं, बिल्कुल कमरे जैसी संरचना लग रही है। फिर तो और टेंशन बढ़ गई, आपके दिमाग में कईयों के आने लग गया कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमाण तो मिलते थे, लेकिन खत्म कैसे हुआ अगर ये पता चल जाए? और फिर सर हम कब हो सकते हैं खत्म, इसके बारे में भी आइडिया लग जाएगा। आप पूछेंगे सर क्या बातें कर रहे हो आप, ऐसी गंदी गंदी सी। भाई मैं तो एकदम नेचुरल बात कर रहा हूं। जो सभ्यता 3300 BC से प्राप्त हुई, शुरू हुई, वो मुश्किल से 1000 BC के आसपास चली, 2000 से 2000 2500 साल के आसपास वो सभ्यता चली। वो सभ्यता एकदम कैसे खत्म हो सकती है यार? आप इससे अंदाजा लगाओ कि इसके प्रमाण कहां तक मिले हैं। मैं बोल रहा हूं आपसे कि ये अफगानिस्तान से लेकर के महाराष्ट्र तक व्याप्त है, कहीं तो बचती भाई। या तो आप में से कई लोग कहते हैं सर इंडस रिवर के अंदर बाढ़ आ गई थी। यार बाढ़ तो आज भी आती है, बाढ़ ऐसा कैसा फीचर है जो, मतलब ऐसा हो गया था क्या कि भाई यहां पर जो वो बने हुए थे ग्लेशियर्स थे वो अचानक पिघल गए और फिर वापस वो सेट हो गए? साथियों वास्तविकता ये है कि आज तक इस विषय पर रिसर्च चल रही है कि इतनी पुरानी सभ्यता खत्म कैसे हो गई, ये रिसर्च का विषय है। वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रमाण दिए हैं, कुछ लोगों ने कहा कोई भयंकर बीमारी आई थी जिसने सबको खत्म कर दिया। हाँ ये बहुत तार्किक बात है, और विशेष रूप से जब से हम कोरोना देखने लगे हैं हमें तो ये डर लगने ही लगा है कि मतलब बीमारियां कुछ भी कर सकती हैं, किसी को मिनटों में मिटा सकती हैं, या तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आई थी। कुछ लोगों का प्रमाण है कि बीमारी आई होती तो ये जगह जो है ये दबती नहीं मट्टी में, तो लोगों का प्रमाण है कि हो सकता है यहाँ पर बाढ़ आई हो। कुछ लोगों का कहना है कि जैसे मिडाइवल इंडिया के अंदर विदेशी आक्रमण होते थे, हो सकता है कि उस समय पर भी विदेशी आक्रमण हुए हो, या हो सकता है कि उस समय कोई ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन हुई हो जिसके सामने कोई सरवाइव नहीं कर पाया। ये अभी तक साथियों रिसर्च का विषय है, आप विचार करिए। सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रमाण देने का प्रयास करते हैं,
कोई मीनिंग नहीं निकलता। ठीक है, तो चलते हैं साथियों। हमने ये सुना कि जो हरप्पन के बारे में हमने बताया, इसके बारे में जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले लोगों को ये बताया कि हाँ भाई, मुझे कुछ ऐसे सील जैसे पत्थर मिले हैं जिसको देख करके ये लगता है, सील मतलब समझते हैं अटेस्ट करने पर जो अपन सील यूज में लेते हैं, जिसको देख के लगता है कि ये बहुत पुराने हैं। अच्छा ठीक है, तो साथियों ऐसी स्थिति में इनको साथ मिला दयाराम साहनी का और माधो स्वरूप वत्स का, जिन्होंने कहा चलिए हम भी आपके साथ उस जगह की खुदाई करके देखते हैं जहां आपको कुछ ऐसा मिला है। तो साथियों यहां पर ये जो सी चीजें हैं, ये धीरे धीरे हरप्पा वाली जगह पर दयाराम साहनी के प्रयासों से उस जगह को खोदा गया। साथियों ये जब जगह खोदी गई तो यहाँ के प्रमाण तो आप सबने देख ही लिए, लेकिन एक जगह और ऐसे ही समय पर निकल के आई जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। और साथियों उसको सबसे पहले आर डी बनर्जी के द्वारा जे एच मैके और मार्शल के नेतृत्व में खोदा गया था। यानी कि मोहनजोदाड़ो भी एक ऐसा ही शहर था जिसके प्रमाण अंग्रेजों के ही नेतृत्व में निकाले गए थे। यानी हम जब अंग्रेजों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हाँ राखल दास बनर्जी ठीक है, हमारे हमारे कई ऐसे विद्यार्थी मित्र होते हैं जो अंग्रेजों को पूरी तरह क्रिटिसाइज करने के लिए उसमें आते हैं, मतलब मूड में आते हैं कि अब तो अंग्रेजों को पूरी तरह क्रिटिसाइज करना है, तो हम हर लेवल पे उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अंग्रेजों की ही वो चीज थी जिसके कारण आज हमारे पास में साथियों ये सब चीजें हम खोज करके निकाल पाए। कुछ अंग्रेज ऐसे सन की आए जिसने हमारा खोया हुआ गौरव वापस लौटाया, हमें पता ही नहीं था कि हम कितने खास हुआ करते थे। ठीक है साथियों, जब ये चीजें खोजी गई तो पता चल करके आया कि इन सभी जगहों पर दो प्रकार की चीजें बहुत खास थी। क्या खास थी? यहां पर जो शहर बना हुआ था उसके दो विन्यास थे, विन्यास मतलब दो ओरिएंटेशन थे। क्या? एक जगह हुआ करती थी जो बहुत ऊंची सी जगह हुआ करती थी जिसे साइटेडल कहा जाता था। कैसा दिखता था मैं आपको दिखाता हूं, इस तरह से देखिए। अगर आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा, हर जगह कॉमन रूप से इस प्रकार का नजारा देखने को मिला, साइटेडल। और दूसरा कुछ इस प्रकार का नजारा जिसे लोअर टाउन के नाम से जानते हैं, यानी कि जब भी हम हड़प्पा पहुंचे या मोहनजोदाड़ो, हमें इस प्रकार का एक ऊंची जगह पर घर बना हुआ दिखाई दिया और उसके अलावा छोटी छोटी जगह पर घर बना दिखाई दिया। इस ऊंची जगह को नाम दिया गया साइटेडल। साइटेडल कई बार इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं जो स्टेट पीसीएस वाले विद्यार्थी हैं उन सबसे, कि बताइए ऐसा क्या खास मिला था। ठीक है ना, तो उस समय पर क्या खास मिला था वो मैंने बता दिया। साइटेडल था, ठीक है, तो हमको ये समझ में आ जाना चाहिए। अब साथियों ये साइटेडल के साथ साथ ये जो जगह है ये लोअर टाउन है। मैं आप लोगों को एक बार के लिए क्या कहते हैं उसको, एक मूवी और रिकमेंड करूंगा। आप पूछेंगे कि सर आप बहुत ज्यादा मूवीज हमको रिकमेंड करते हैं, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा, देखना हो तो देख लीजिएगा। ऋतिक रोशन की एक मूवी है मोहनजोदाड़ो, आशुतोष गोवारीकर ने बनाई है। एक अच्छा प्रयास किया है उस समय को रिफ्लेक्ट करने का, है ना। अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसमें लव स्टोरी भी डाली है, है ना। हाँ, और मतलब ऋतिक रोशन की कलाबाजी भी दिखाई है, मतलब सब चीजें दिखाई हैं, लेकिन कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी आप एक बार उस मूवी को इसलिए देखिएगा कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी वो बताने का आशुतोष गोवारीकर ने खूब अच्छा प्रयास किया है। देखिए फिल्म है तो फिल्म के अंदर लव स्टोरी भी डालनी पड़ेगी, किसी से लड़ाई भी करानी पड़ेगी, है ना, ऊंच नीच की चीजें भी शासन व्यवस्था के अंदर करानी पड़ेंगी, लेकिन जो व्यवस्था आपको दिखती है उससे कहीं भी ऐसा फीलिंग आपको नहीं आएगा कि यार आज और उस समय में कोई आमूलचूल परिवर्तन था, कि उस समय के लोग तो आदिवासी थे और आज के लोग जो हैं वो बहुत समझदार हैं, ऐसा नहीं आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये बहुत बड़ी विशेषता थी जो कि इस सिविलाइजेशन के अंतर्गत निकल के आई थी। अच्छा, इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी चीज इन सभी जगह पर देखी गई, मैं सबके जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर बता रहा हूं, फिर आपको पढ़ने का टास्क दूंगा इसी कंटेंट को। मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूं, फिर आप पढ़ के आइएगा, फिर हम एक बार कल और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, ठीक है। एक और जो चीज यहां पर देखी गई वो ये था कि ये स्विमिंग पूल में नहाया करते थे। स्विमिंग पूल से मतलब क्या था आपको, कैसे पता कि स्विमिंग पूल में नहाते थे? हो सकता है कि पानी पीते हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं,
ये जो जगह आपको दिख रही है ऊंची जगह तो साइटेडल है, ये जो जगह आपको दिख रही है ना साथियों, दिस इज ग्रेट बाथ। आज भी स्विमिंग पूल ऐसे ही तो बनते हैं, आज भी आप स्विमिंग पूल जाएंगे तो उसके अंतर्गत पानी भरने की जगह होती है, फिर ऐसे करके आप सीढ़ी उतर करके जाइए, अंदर बैठिए, बढ़िया से पानी के अंदर जाइए। ऐसा हर शहर में देखा गया, अधिकांश शहरों के अंदर साथियों ग्रेट बाथ कहा गया इस जगह को। इस जगह का नाम क्या रखा गया? ग्रेट बाथ। एक शब्द क्या हो गया? ओ साइटेडल। एक शब्द क्या हो गया? साइटेडल। दूसरे का नाम क्या हो गया? ग्रेट बाथ, विशेष स्नानागार। कई विद्यार्थी नहाने की फीलिंग भी लेना शुरू कर दिए हैं, छपाक छपाक, ठीक है ना, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बेटा एकदम, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ये चीज यहां पर ग्रेट बात के रूप में नोटिस की गई। तीसरी जो चीज यहां पर जो नोटिस की गई वो क्या थी साथियों? यहां पर भोजन रखने के लिए ग्रेनरीज यानी अन्न को इकट्ठा करने के लिए ग्रेनरी भी देखी गई। ग्रेनरी का मतलब होता है अनाज को इकट्ठा करने के कमरे देखे गए, क्योंकि यहां पर अनाज के प्रमाण मिले। आप नोटिस करिए, अपने बुजुर्गों को गांव में जो बुजुर्ग रह रहे हैं इनको इतिहास किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, है ना, मतलब पढ़ाया होता तो शायद ये हमको इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पहले ही बता दिए होते। लेकिन आज भी अपने गांवों में ऐसे ही एक कमरा होता है जिसमें सारा अनाज भरा होता है, जिसे कोठार कहते हैं, अंग्रेजी में इसे ग्रीनरी कह रहे हैं, अन्नागार कह रहे हैं, है ना। अपने घरों में भी होता है, जिनके घरों में खेती बाड़ी है उन्हें पता होगा कि एक हमारे यहाँ कमरा होता है जिसमें हम अनाज भर के रखते हैं, कोठियार बोलते हैं, कोटरी बोलते हैं, कुछ भी, जहां पे अपन अनाज को एकत्रित करके रखते हैं, गोडाउन कहते हैं, ठीक है, है ना। घरों के अंदर आपने टंकी में रख रखा है, लेकिन घर पहले गांव में पूरा कमरा और उसके लिए मतलब पूरा वो बना दिया जाता था, है ना। ऐसे ही साथियों इनके यहाँ प्रॉपर कमरे मिले हैं जिनमें अनाज रखा जाता था, यानी ये लोग अनाज को पैदा करना जानते थे, ये अनाज को संरक्षित रखना भी जानते थे। और तो और साथियों इन्हें जो और इंटरेस्टिंग चीजें मिली पता है वो क्या था साथियों? इन्हें असल में इसके अतिरिक्त एक प्रॉपर तरीके का ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब हुआ नाली की व्यवस्था। आप इसे देखें, इन्हें इस प्रकार से प्रॉपर तरीके की नाली की व्यवस्था, यानी कि पानी को बहाया जाए तो नाली की व्यवस्था। देखिए कालीबंगा के अंदर भी वैसा ही फोटो आपको दिखाई दे रहा है जैसा हड़प्पा में। आई बात समझ में? तो साथियों ये सारी चीजें जो हैं इन लोगों को यहां पर नाली की व्यवस्था भी मिली। अगर आप नोटिस करें तो आपको इन सभी जगह पर इस मकान का बनना जो है वो समझ में आ रहा होगा। आप इनको पत्थरों को ध्यान से देखें तो ये मिट्टी के घर नहीं है। आप इन फोटोज को ध्यान से देखें तो आपको ये मिट्टी के नहीं अपितु पत्थर के से घर दिख रहे हैं। आपको देख करके लग रहा है जैसे आज हमारे यहां पर ईंट बनी होती है, वैसी ईंट दिख रही है। और साथियों जान के आश्चर्य होगा ये ईंट ही थी जिससे ये घर बने हुए थे। आप अंदाजा लगाइए कि आज से 5000 साल पहले का जो व्यक्ति था उसे ईंट से घर बनाना भी आता था यार, पकी हुई ईंट से घर बनाना आता था। आप इससे अंदाजा लगाइए। इसके पास में, अच्छा इसके अलावा और जो चीजें मिली वो क्या है? अगर आप देखते हैं साथियों तो आपने मेरे द्वारा अभी कुछ फोटोज दिखाई गई थी उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपको यहाँ पे और जो चीजें मिली उनमें देखिए। हाँ, ये ड्राइंग जो आपको दिख रही है, ये जो मतलब आपको मतलब स्कल्पचर बना हुआ दिखाई दे रहा है, इसको देख के लग रहा है कि उस समय ऐसी इतनी रिफाइन आर्ट थी। आप सोच के देखिए कि प्रीस्ट की फोटो, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रीस्ट है, बियर्ड मैन, एक प्रीस्ट के रूप में इसकी इतनी रिफाइन इमेज बना होना और ये आज तक बरकरार रहना बड़ी बात है। आप देखिए मित्रों, क्लियर? आप देखिए, एक ही नहीं साहब, क्रिएटिविटी देखिए आप, मतलब हमारे सामने इतनी सारी चीजें। आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगाइए, यहां पर आपको ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है इसने तो मतलब लोगों का वही नजरिया ही बदल दिया यार। एक डांसिंग गर्ल जो है वो मोहन जोदाड़ो के अंदर मिली है। आज भी हम इतनी ही रिफाइन मूर्तियां बना पाते हैं, सोचिए, मतलब हाथ में बैंगल्स का होना ये उस समय की बात है, हैं? बीड की ज्वेलरी का होना, बीड का मतलब होता है लाख, लाख समझते हो तो घर में अपनी मम्मी और जो मतलब महिलाएं होती है घर की वो लाख के वो पहनती हैं,
एक पर्टिकुलर पोस्चर है जो कि रिलैक्स पोस्चर है, लग रहा है कि बनवाने वाले ने बकायदा खड़े होकर के मोनालिसा की तरह अपनी तस्वीर बनवाई थी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या है कि आई बात समझ में? कहने का अर्थ यह कि मतलब आप तस्वीरों को देख, आप मूर्तियों को देख के अंदाजा लगाइए। और आप देखिए इसके बारे में तो कई बार पेपर के अंदर पूछ लिया गया है, मोहनजोदड़ो के अंदर डांसिंग गर्ल, इसके अंदर ये तक पूछा गया कौन सा पैर के ऊपर कौन सा हाथ रखा हुआ है, क्या है ये सब पूछे। लॉन्ग एयर टाइड इन बन, लेफ्ट हैंड कवर्ड विद बैंगल्स, लेफ्ट हैंड कवर्ड विद बैंगल्स, ब्रासलेट एंड बैंगल्स ऑन द राइट हैंड, कावरी शेल नेकलेस, राइट हैंड ऑन हिप, लेफ्ट हैंड क्लोज्ड, मतलब ये पूछा जाता है कि इसके बारे में टिप्पणी लिखिए, ये भी पूछता है। जो स्टेट पीसीएस के विद्यार्थी हैं वो उनको केवल इतनी सी जानकारी में लिख करके दे देगा, वो दो लाइन में, जैसे आरएएस के एग्जाम में वो इस तरह से पूछता है, डांसिंग गर्ल पूछा गया था, डांसिंग गर्ल बस लिख दिया गया। और आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखिए 5 नंबर का, क्या लिखोगे आप? आपको तो बस पता ही इतना है कि डांसिंग गर्ल मिली थी, लेकिन लिखना इसके बारे में ये सब है, मोहनजोदड़ो में मिली थी, ठीक है ना, इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या था, किस प्रकार से क्या पहनी हुई थी, ये सब बातें नोटिस जो आपने की है ये लिखनी है। दूसरी बड़ी बात, ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। हाँ भाई, ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है, किस किस चीज से मिलकर के बना होता है, कांसा है, किससे बना होता है कांसा? एसन और टिल, कॉपर और टिन, टिन एसन ही है, कॉपर और टिन, यानी कि उस समय के लोगों को यह मिक्सचर बनाना भी आता था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उस समय के लोगों को यह मिक्सचर बनाना भी आता था। कांसा मिश्र धातु है। मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं ब्रॉन्ज क्या है, क्योंकि आज जो आप ओलंपिक्स के अंदर कांस्य पदक लाते हैं वो कांस्य पदक बना हुआ दो धातुओं से है, वो धातुओं को मिक्स करना उस समय के लोगों को भी आता था। आप इस बात का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं? इस बात का इंपॉर्टेंस समझिए। इसके अलावा आप देखिए इस रिफाइन आर्ट को पहचानिए। इस रिफाइन आर्ट को देख करके आपको लगेगा कि यार एक सांड किसी चेहरा यहां पर तस्वीर दिखाई दे रही है, बैल किसी फोटो दिखाई दे रही है, एक इस प्रकार के रिफाइन जो है किसी ने आर्ट बनाई हुई है। फिर बुलक कार्ट, बुलक कार्ट का मतलब कि एक बैल गाड़ी जैसा काठी गाड़ी, बच्चे को खेलने का खिलौना इसमें मिला है। आप सोच के देखिए कि इन्होंने आज से 5000 साल पहले कोई ऐसा खिलौना बनाया जो 5000 साल में भी नहीं गला। इंडस वैली सिविलाइजेशन को इज्जत दीजिए, 5000 साल पहले इन्होंने कुछ बनाया था वो आज तक नहीं गला। ये क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन। स्टोन नहीं था, ये टेराकोटा था। आज भी टेराकोटा के बर्तन बनते हैं, मिट्टी के बर्तन हैं ये, मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं, टेराकोटा मिट्टी के। पत्थर होता तो फिर ये आर्ग्यूमेंट ही नहीं रहता। एक ब्रॉन्ज है, ये मिट्टी है। आप इन आइटम्स को देखिए, पहचानिए, देखिए आप इन्हें, ये सब उस समय के आइटम्स है, चीनी मिट्टी के। मदर गॉडेस की मूर्ति देख करके अंदाजा लगाएं कि यार ये क्या पॉसिबल है, क्या यार मतलब कैसे ये सारी चीजें यहां पर मिली हैं साथियों। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की हम बात करते हैं, अब आप सील देखिए, सील का मतलब समझिए। अब आप समझिए सील क्यों बनाई जाती है। जैसे ना अपन क्या बोलते हैं, जैसे मेरी सील है उस पर लिखा हुआ है अवस्थी कंसल्टेंसी, तो वो चीज का मतलब है कि ये मेरी पहचान है। पहले सील ऐसी बनाई जाती थी कि कोई दूर से इसको पहचान जाए, यानी उनकी पहचान के लिए कोई एक सिग्नेचर मार्क लगा दिया। ये सिग्नेचर मार्क था इन लोगों के पास भाई, और जो यूनिक है अपने आप में, ताकि कोई दूसरी जगह जाकर के कोई व्यक्ति इसको पहचान पाए, ये यूनिक है, मोहर है ये। आई बात समझ में? तो इससे आपको एक अंदाजा लगा कि ये लोग कितने जबरदस्त थे। साथियों जो प्रमाण मिले हैं आपको जान के आश्चर्य होगा, गेहूं उत्पादन के, बाजरा उत्पादन के, कपास उत्पादन के, रागी उत्पादन के, खजूर उत्पादन के और चने के उत्पादन के, मटर के उत्पादन के प्रमाण मिले।
और तो और साथियों, जो लोथल नामक जगह है वो तो ये तक समझाती है कि वहां से हमारा व्यापार इंटरनेशनल व्यापार हुआ करता था। शिपयार्ड मिला है पानी के जहाज के माध्यम से, जहां इंसान जाने से बाद में डरा। साथियों यहां पर कॉपर का उपयोग हुआ, ब्रॉन्ज का उपयोग हुआ, टिन का उपयोग हुआ, लेड का उपयोग हुआ इस सभ्यता के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है, लोहे के बारे में क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता था? आंसर है जी नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर पता था, ब्रॉन्ज पता था, टिन पता था, लेकिन उन्हें लोहा नहीं पता था, क्योंकि लोहे से संबंधित कोई भी चीज अभी तक नहीं मिली है। उस समय की चीजों को अगर देखें तो एक और बड़ी चीज पता चलती है, जिसे लेकर के आपको बहुत बड़ा अनुमान लगता है, और वो ये है कि आज से 5000 साल पहले ना तो कोई मंदिर था और ना ही कोई महल था, यानी मंदिरों के और महल के भी कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन लोग पूजा किया करते थे, क्योंकि जो पशुपतिनाथ की जो सील मिली है, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं कि भगवान शिव जैसी जो प्रतिमा दिखती है, जिसके तीन आंख लगा रखी हैं, उन्हें देख करके ये अंदाजा लगता है कि लोग पशुओं के रखवाले देवता के रूप में भगवान शिव को पूजा करते थे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मोहनजोदाड़ो के अंदर जो मिली हुई, मतलब ये जो बियर्ड की तरह से दिखने वाली पुजारी की फोटो है, इसको पुजारी इसीलिए कहा गया कि पशुपतिनाथ है तो पुजारी भी होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसके साथ 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 लोगों को दफनाने के लिए ब्यूरियल भी मिले हैं, शव दाह के लिए, मतलब शव को दबाने के लिए जो क्या कहते हैं इसको, दफनाने की जो जगह है वो मिली, यानी उस समय पर शव को गाड़ने की जगह हुआ करती थी, ब्यूरियल हुआ करता था। उस समय लोगों को जलाया नहीं जाता था, यानी कि दो चीजें मैच करिए, पूजा हो रही है, यानी कि रिलीजन जिसको हम जोड़ते हैं ट्रेडिशनली पूजा पाठ को हिंदू रिलीजन से जोड़ा जाता है, लेकिन शव को दफनाया जा रहा है, इसके प्रमाण मिले हैं। लकड़ी की कॉफिन्स मिली हैं, यानी कि वो जो जिसमें कि व्यक्ति को दफनाने के लिए दबाया जाता है, क्रीमेट किया जाता है। साथियों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो भाषा लिखा करते थे उस भाषा को पढ़ने का बहुत प्रयास हुआ है, इंटरेस्टिंगली आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। ताबूत तो मिले हैं, इनके द्वारा जो बातें लिखी गई हैं उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा पाया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी बातें इंडस वैली के बारे में पता चल गई होंगी। कृपया करके ये सारी जानकारी पढ़ करके आए, आप लोगों के लिए सारी जानकारी डाउनलोड करने के फॉर्म में है। मैंने जो बातें बोली वो सारी की सारी मैंने आपको लिखित में दी है, इनमें से कोई सी भी चीज आपको कम नहीं मिलेगी, ज्यादा ही मिलेगी, ठीक है, पढ़ करके आए। हाँ जी, मॉडर्न हिस्ट्री का A4 आ चुका है, मैं आपको उसको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।